तो गाइस, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सबका मेरे को नए व्लॉग में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज 11 सितंबर और सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं जल्दी इसलिए उठा हूँ क्योंकि आज मेरी बन रेप मैक्स है तीनों लिफ्टों का, स्क्वाड, बेंच और डेड का। और मुझे प्रियांश के घर पे जल्दी पहुँचना है, 1:30-2 बजे तक पहुँचना है मुझे दोपहर को, इसलिए मैं जल्दी डाइट ख़त्म करने की कोशिश करूँगा अपनी। और जैसे कि आपने मेरा बॉडी वेट देखा स्टार्टिंग ब्लॉग में कि 76 kg है, तो देखते हैं 76 kg के हिसाब से मेरा क्या PR आएगा। डेड का तो मैं वैसे ब्रेक कर चुका हूँ RP 9 में और बेंच का भी, स्क्वाट का रहता है क्योंकि स्क्वाट में मुझे दिक्कत हुई थी क्योंकि पैर की इंजरी हुई थी, तो उसमें रिकवर करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो देखते हैं 4 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आज मेरा क्या बन रहा है मैक्स आता है। अभी मैं डाइट बनाने जा रहा हूँ और फिर खा पी के सीधे जब प्रियांशु के घर के लिए निकलेंगे तब मिलता हूँ। तो गाइस, मैं हो गया हूँ तैयार, अब हम प्रियांशु के घर के लिए निकलते हैं। तो चलिए, तो गाइस मैं प्रियांशु घर पे आ चुका हूँ, मेरे को आए हुए टाइम हो गया, मैंने अपनी डाइट वेट खा लिया, इसके घर पे भी आज मस्त खाया है, अब एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ मैं अपनी। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं घर पे आ चुका हूँ, प्रियांशु घर पे। मैंने अपनी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करी और वो कल की थी, मैं एक दिन बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि मैंने जब मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हुई तो 11 बज चुके थे कुछ, यही टाइम हो रहा था और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत थक गया था मैं, तो ब्लॉग बनाने की बिल्कुल जान नहीं होती थी। मैं फटाफट गाड़ी लेके अपना घर पर पहुँच गया। तो मैं अब बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से क्या हुआ मेरी ट्रेनिंग में। स्क्वाट्स सही जा रही थी, मैंने 167.5 kg का मेन सेट लिया अपना, वो सही था, डेप्थ भी उसमें सही आई थी। मैंने एक साइड एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी लेकिन वो प्रियांशु ने डिलीट कर दी तो मैं व्लॉग में वो डाल नहीं पाया। और स्क्वाट्स के फिर मैंने 170 का सेट लिया, 170 के सेट में जो डेप्थ थी वो मैं आपको खुद ही कह देता हूँ, वो पैरेलल
या फिर पैरेलल से थोड़ी सी ऊपर थी, क्योंकि साइड से वीडियोस पे हमने बनाई नहीं, तो मैं उसका कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन 170 के मैंने रैप लगा दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ 4 ही हफ्ते हुए थे मुझे ट्रेनिंग करते हुए स्क्वैट की, तो बाकी लोगों को ज़्यादा वेट ना लगे, लेकिन 83 kg में मैंने 185 kg लगाया था, और इंजरी के बाद सिर्फ 4 हफ्ते की ट्रेनिंग में 8 kg कम बॉडी वेट पे 170 kg लगाना, तो मेरे लिए तो सही था, सही आ गया। फिर बेंच प्रेस पे आते हैं हम, तो बेंच प्रेस में क्या हुआ, 110 kg, जैसे आपने देखा होगा मेरा बैलेंस खराब हो गया था, पता नहीं बेंच प्रेस में बस मेरे को पावर फील नहीं हो रही थी मेरी, मैं अपनी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, अब मुझे नहीं पता क्यों। तो जब मैंने 120 का अटैम्प्ट लिया, तो 120 के अटैम्प्ट मैंने रॉड रखने के बाद मेरे क्रैम्प पड़ गया था लोअर बैक में बहुत ज़्यादा जोर से, तो मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर मेरा स्टैंड पे सर लग गया था। उसके बाद फिर जब हमने डेडलिफ्ट शुरू करी, डेडलिफ्ट तक पहुँचते पहुँचते मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत थक गया था मैं, क्रैम्प पड़ रहे थे मेरे बैक्स में पहली बेंच में। तो डेडलिफ्ट में मैंने 200 का अटैम्प्ट लिया, वो भी मुझे हैवी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि 205 तो RP 9 पे लगाई रखी है, तो 210 करके देख लेते हैं, आ गया तो ठीक है, वरना फालतू में टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो 210 आया ही नहीं, तो 210 जब नहीं आया, तो पहले मैंने सोचा कि 207 ले लूँ, फिर मैंने सोचा 205 मैंने RP 9 पे लगा रखा है, तो मैं वही रख के चलूँगा, बार बार अटैम्प्ट लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, इंजरी आ सकती है, रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो बस अपना एक नया प्रोग्राम बनाने के लिए अपना वन रेप मैक्स चेक करना चाहता था, तो वो 205 रख के चलूँगा मैं। तो जो मेरे फाइनल रिजल्ट थे वो ये था कि स्क्वाट 170 kg, बेंच प्रेस 120 kg और डेडलिफ्ट 205 kg, तो यही था, वन रेप मैक्स आ गया मेरा। अब इसको लेके मैंने अपना नया प्रोग्राम बनाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, मैं अपना 14 या फिर 16 हफ्ते का प्रोग्राम बनाऊंगा एक पूरा का पूरा, जो January 1 तक चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, दिखा दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में वो पूरा प्रोग्राम मेरा, मैंने कैसे बनाया है, किस चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया है। और फिर अब अगले हफ्ते से जिम भी खुल रहे हैं, तो जिम मैं अपने नॉर्मल वाले जाऊंगा, द्रोणाचार्य दास जिम जो द्वारका में है, तो अब वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे हम, तो जो मेरा नया ब्लॉग स्टार्ट होगा उसके अंदर लाइट ट्रेनिंग से स्टार्ट होगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि दो ब्लॉग एक ही में रख के बनाऊँ, नहीं जैसे कि 2 डेज की ट्रेनिंग एक ही ब्लॉग में ऐड कर दूँ, या फिर 3 डेज की ट्रेनिंग एक ही ब्लॉग में ऐड कर दूँ, छोटा ही ब्लॉग बनेगा, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बनेगा नहीं, क्योंकि लाइट ट्रेनिंग होगी तो ज़्यादा कुछ दिखाने का रहेगा नहीं, तो ऐसे ही करेंगे। बाकी अगले ब्लॉग में मैं एक गिव अवे भी अनाउंस करूँगा, और अगले ब्लॉग के अंदर मैं आपको बता दूंगा किस चीज़ का गिव अवे है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। It's alright.